अनुसार MBBS डॉक्टरों को ही चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अनधिकृत रूप से कुछ आयुर्वेदा चार्य व नेचुरोपैथी के चिकित्सक भी प्रमाण पत्र देने का काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि RTO के पैनल में शामिल चिकित्सकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पैनल में करीब 15 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। नियम अनुसार MBBS डॉक्टरों को ही चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अनधिकृत रूप से कुछ आयुर्वेदाचार्य व नेचुरोपैथी के चिकित्सक भी प्रमाण पत्र देने का काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि RTO की पैनल में शामिल चिकित्सकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। कोई चिकित्सक 100 रुपए तो कोई 500 रुपए तक वसूल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आवेदक लूट खसोट के शिकार हो रहे हैं। RTO कार्यालय परिसर में कुछ ऐसे चिकित्सकों के सक्रिय होने की भी जानकारी मिली है, जिन्हें पैनल में शामिल नहीं किया गया है। ये चिकित्सक मात्र 50 रुपए शुल्क लेकर प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। वाहन चलाते वक्त चालक की शारीरिक कमजोरी सड़क दुर्घटना का कारण न बने, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन करने वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होता है। इसके अलावा 40 वर्ष से अधिक आयु के वह आवेदक जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी प्रमाण पत्र पेश करना होता है। सूत्रों के मुताबिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मापदंडों के अनुपालन को लेकर संदेह बना हुआ है। पैनल में शामिल कुछ चिकित्सक बिना जांच के सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। रोजाना 100 से 150 लोग इन चिकित्सकों के पास प्रमाण पत्र के लिए पहुंचते हैं। केवल नाम पूछकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस तरह चिकित्सा प्रमाण पत्र महज खान पूर्ति व चिकित्सकों के लिए कमाई का जरिया बनकर रह गया है।